लखनऊ में कार ड्राइवर की जरा सी चूक से एक युवक की जान चली गई। कार ड्राइवर अचानक गेट खोलकर नीचे उतरने लगा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे स्कूटी सवार गेट से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार सड़क के दूसरी तरफ उछलकर सिर के बल गिर गया। उसके सर से खून निकलने लगा। आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे, उसके सर पर कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश करने लगे। बेहोशी की हालत में उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, पर वहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। थोड़ी देर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें, ये घटना बुधवार को आलमबाग इलाके की है। आलमबाग इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में मरने वाले व्यक्ति का नाम अनिल गौतम है, जो कि 45 वर्ष है। वो ऑटो ड्राइवर थे, छोटा बरा इलाके में परिवार के साथ रहते थे। वह दोपहर में किसी काम के सिलसिले से निकले थे, तभी यह हादसा। कार के गेट से टक्कर इतनी तेज थी कि अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया है कि अब तक परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।